तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। तो आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि आज मैं सुबह जब मैं उठा तो चक्कर तो इसे आ रही थी, नीचे गया बकरियों खिला रहा था, तो इतने में फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी सर्विस में थी, वो कंपनी से बोल रही हूँ, तुम्हारी गाड़ी हो चुकी है, आके ले जाओ। तुम्हारे को एक वो क्या बोलते ओटीपी नंबर आया था, मेरे को ध्यान है ओटीपी नंबर मांग रही, मतलब साला बैंक का अकाउंट भी खाली कर दे, एक दो करोड़ रुपया बैंक में पड़े हैं उससे चले नहीं जावे। तो मैंने उसको क्या मालूम है, मतलब ओटीपी नहीं है, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा आइए, मतलब ठीक है। फिर ऊपर आया, फटाफट नहाया धोया, फिर सीधा जाऊँगा। ऐसा हुआ है बहुत से जानों के साथ में, इसके लिए हम लोग को एक दो जान ने बताया भी है कि ओटीपी नंबर मांगते हैं, फिर अपना कार्ड के अंदर सब पैसे जो रहते हैं निकाल लेते। तो मैं इनके बार बार अकाउंट चेक करते रहती कि इनके आने से मेरे अकाउंट में भी आते हैं, लाख दो लाख नहीं, एक दो करोड़ रुपए रहते ही मेरे अकाउंट में, माशाल्लाह। टेंशन देता है तो भी क्या, आपने 10,000-15,000 भी क्यों ना, क्या हुआ चक्कर आ रही, 10,000-15,000 भी क्यों ना, मेहनत के पैसे भाई, किसी को सब थोड़ी उठा के दे देंगे। फिर जाता अभी सर्विस में गाड़ी लेके आता हूँ। और दूसरा, आज मेरे को ऐसा मन बहुत टाइम से था आइजल को मैं पैंट शर्ट पहना, तो मेरा अरमान बहुत है उसको पैंट शर्ट पहनाने के, तो सोचता हूँ दोहा को फ्रॉक पहनाते, मैं सोचा था ऐसा, सोचा था जैसे दो करते पागल, नहीं नहीं आइजल आइजल में पहनाने का ट्यूनिंग कर इंशाल्लाह, अभी नहीं बाद में, चलो देखूंगा अभी जैसे भी कुछ बंदोबस्त होगा तो उसके पैंट शर्ट ले लूंगा मैं, पहना के देखूंगा। एक ऐसे ख्वाहिश थी तो मैं है ना, और रात को सूट लगाया तो थोड़ा फर्क आया से, वो तो निकल गया था एक कान का, रह गया था यहाँ का, रात को मैं 3 बजे ढूंढ देखी, मैंने क्या सोना था क्या, तू ढूंढ रही है, कान में डाल के जरा देर में कापूस निकाल भी दिए, मैं थोड़ी निकालो, एक कान में था ना, एक कान से नाश्ता करते हो। चलो अभी एक कलेजी और वो क्या बना रही है, पेठा बनाएगी मेरे लिए, जो सूखा सूखा मैं दलिया के साथ बैठ के खाऊंगा, है ना। चलो मैं जाके आता हूँ, बाइक वाइक लेके आता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है आप लोग को जरूर। तो शब ने मेरे को काम दे दी थी कि जाओ तुम कुकर का एक स्क्रू घूम गया है, तो स्क्रू लेके आओ, स्क्रू लेने गया नीचे के लिए, झाड़ू लेनी तो भी लेके, जब ऊपर आया देखा तो शब उधर सफाई कर रही थी, तो फिर इधर आके देखा तो कलेजी ने वो जो क्या फोटा है वो बनाना चालू कर दी, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। दो तीन काम लेता है, वजन लेके घूमते रहो क्या पैदा, और साइड का भी दिखा रहा है, ये भी स्क्रू का ना ढीला हो गया, ये भी ढीला हो जाता है बार बार, और ये तो मैंने बन जाता है तो खाओ, पापड़ सेक देती हूँ और बस टेस्टी बना देती हूँ। तो चलो अभी जाता हूँ, अभी पहले स्क्रू लगा के आता हूँ, अभी बाइक ले जाऊँगा वहाँ से पत्ते लेके नीचे बांध के, फिर बाइक लेके आ गया सर्विस से, सब हो गया, अभी जाऊँगा बाइक से पत्ते लगा के उसको बांध के, फिर मैं ऊपर आके खाना ना खाऊँगा, अभी क्या क्या होता है आप लोग को जरूर बताऊँगा। तो मैं कुकर बना के आ गया और जानवर के पत्ते भी लेके आ चुका, मेरे को देख के इतना चिल्लाता है वो कि पूछो मत, जैसे अभी थपा दो सब खा जाएगा, जैसे खाएगा थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली ज़्यादा करता है। तो घर पर आके देखा तो सब ने यहाँ रोटी बनाना तैयार चालू कर दी, बोले तुमको मैं अच्छा करके छोड़ूंगी, पहले ऐसा तुमको कर दूंगी जो तुम सबको हंसाते थे, यूँ करते थे, मतलब वैसे ही हूँ, फिक्र मत कर, चले नहीं मैं रोटी तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तो देखो रोटी बनानी बताता आपको, बहुत से जान कमेंट्स कर रहे थे कि आंटी रोटी के लिए पका दे, क्योंकि मैं रोटी नहीं पकाती थी, डॉक्टर ने तो मना किया था, हाथ दुखता है जो है ना, तो वो भी इलाज तो मैंने उसके बाद नहीं खाऊंगा मैं, नहीं बनाऊंगी, रोटी वाली रख लेंगे अपन, नहीं अकाको हां चार पांच रोटी बना के, रोटी वाली को नहीं पसंद, मैं हाथ से बना के, अभी रोटी बना दी हूं तो यार दी में चलो ठीक है, और उधर जाने का तो दिखाने वो डॉक्टर को, अरे हड्डी के लिए मेरी तो बोलिए जाने का, तो चलो फिर उधर भी जाने का ना, चलो ठीक है। तो चलो अभी मैं रोटी बन जाती खा के, फिर आप लोगों को मिलता क्या क्या होगा, फिर आप लोगों को ऐसा कहा था कि मेरी आवाज़ सुनता मेरे को देखता तो बकरा बहुत चिल्ला था, तो मैं आप लोगों को आज दिखा देता हूँ कि सच बोलता हूँ मैं झूठ बोलता हूँ, अब चिल्ला में तो अच्छा है क्योंकि देखता चिल्ला तो है मेरे को, ये अभी तुम लोगों को दिखा था देखो, हाँ क्या हुआ, हाँ चलो तो देखिए आप लोगों ने कैसा देख के चिल्लाता है, मेरे मालूम है वो देखेगा तो चिल्लाएगा कि उसको चाहिए खाना या तो पानी, अभी मैं जा रहा हूँ पानी पिलाने, उसके बाद पत्ते बांधूंगा, फिर आगे क्या होगा आप लोग को बताता हूँ। तो कॉलेज तरीका तो थोड़ा तो कम हो रहा है, लेकिन गर्दन की दर्द ज़्यादा हो रहा था,
तो शाम ने बोले कि चलो डॉक्टर को दिखाते, कोई नहीं डॉक्टर का नाम लिया, वो डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर हम लोग गए तो डॉक्टर नहीं था, पब्लिक बहुत थी और आजल हमारे साथ थी, तो फिर दिल नहीं माना क्योंकि बीमार होते बहुत थे लोग और सब खास रहे, तो मेरे को अच्छा ही लग रहा था। हम बाद में जाएंगे, आजल को छोड़ के जाएंगे। फिर हम लोग घर पर आ गए और शाह भारी खड़ी है, बोले नहीं मैं जाऊँगी अभी, और मैंने अभी नहीं बात नहीं आते है ना सर। डॉक्टर को दिखा देंगे, वहाँ बैठे थे बहुत बीमार, सब डेंगू मलेरिया टाइफ और सब ग्लूकोज चढ़ा है सबको, दिखा देते हैं। ये अपना एक जो डॉक्टर है उसके पास जाता है, दिखाता हूँ क्या बोलता है आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग डॉक्टर को दिखा के घर पे आ गए, घर पे आए तो डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला कि प्रेशर तुमको भी थोड़ा ज़्यादा है, वो इस वजह से चक्कर आती होगी। बोला नहीं ये दुखता भी है, तो बोले नहीं 3 दिन क्या बोला था? 3 दिन तक ना कंटिन्यू प्रेशर चेक कराओगे, 3 दिन तक अगर कंटिन्यू प्रेशर रहा ना 170-170 प्रेशर है, नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर है। अगर 3 दिन तक कंटिन्यू रहा तो प्रेशर की गोली चालू करनी पड़ेगी, और अगर कल आओ फिर वापस। 3 दिन बुलाया है? हाँ, तो तुम खुद टेस्ट कर रहे थे पास क्या मरी नहीं, डॉक्टर के पास गए वहाँ पे अपना 30-40 बता रहा था, नॉर्मल बोला उन्होंने। तो बोला अभी तुम अभी दिमाग गर्म था तुम्हारा ट्रैफिक की वजह से, शहर की वजह से बोले हाई भी हो गया होगा, गोली खा लो, कल शाम को ठीक है। तो बम्बई की ट्रैफिक वहाँ पर जैसे हमारे भिंडी बाजार ये सब है ना, बहुत ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक, घींच पीच के मैं तो बोलता पैदल चलने भी कंटाला आता है। तो भाई पे लोग मेरे को कैसा ले जाता, मैं जाता ही नहीं, अभी एक से झगड़ा भी हो गया, बीच में खड़ा हो गया, हट रहा नहीं है, उस पर भी मगज मारी, तो इतना कंटाला आता है बाप रे बाप। तो अच्छा नानी जान हौसिन चले गए यहाँ से दूर, सुकून हो जाएगा लोग एकदम है ना। चलो तो मेरी बेटी मेरे लिए पानी लेके आई, किसके लिए? मम्मा अब्बा को दे अले बाप ले बाप, अले वाह 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 वाह, पकड़ो अभी गोली, आओ गोली निकाल, गोली खा लेंगे ना सब, गोली की गोली खाओ, प्रेशर की गोली, दिमाग गरम रखते हैं। लो ले मम्मा, अब्बा को दे अभी खाओ, दिमाग ठंडा रख के सो जाओ, दाढ़ी वाड़ी बनाओ तुम्हारी, और मरीज लगते हो। पानी तो कम से ठंडा देती है, कौन ठंडा पानी नहीं पीनेगा, सर्दी पकड़ लेगी फिर और गर्दन में चमक आई, दर्द होएगा। चलो ठीक है, अभी क्या होता है आगे बताता हूं। ये देखो चली, कहां चली, कहां चली, अरे बाप रे, अरे बाप रे। चलो अभी घर पे मैं आ तो गया था, खाना ना खा लिया, गोली खा लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा झुकता तो चक्कर आती है। और इतने में दानिश और नौशीन भी घर पे आ चुके हैं, और वो लोग इतना खुश आजल को देख के जैसे पहली बार आजल को मिले वो लोग जैसे, है ना दानिश? एक घंटे बाद मिलेगी तो चिटकेगी ना। चोली माँ कहाँ कहती है, दानिश थक गया बेचारा, बीमार जैसा लग रहा है साला, ये बंगला बना रहा है, ये सब ये हमेशा बेचारा सपनों में बंगला चंगला जो भी है नहीं, ये नहीं, बनाता है, बना रहे ना। क्या बोली, अभी घर को थोड़ा हकीकत बना रहे हैं, अच्छा इसको ना लुंगी देंगे और कुर्ता देंगे और तबला देंगे, गाना गाएंगे, एक कब बंगला बने न्यारा। अरे बंगले से दिखता भी है जो बजाते है ना ऐसा बंगला, व्हाइट बंगला बना रहे। तो बस हो गया, अभी तुम लोग खाना ना कुछ खाओगे तो बोलो, मैं मंगा दूँ तुम लोग। अरे बाप रे बाप, ऐसा सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ चो जाएगी, चलो अभी क्या, क्यों बंद हो गया, तुम लोग ये लोग ही लेट, अपन क्या करे है ना। चलो अभी किसी राउंड मारने जाएंगे, कंटाल आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बेची नहीं हो रही, तो राउंड मार के हम लोग आते हैं। चलो जाइए, चल जाइए कहीं राउंड, कंटाल आता है, चल रही है। चलो तो चलो सब तैयार कर लिया सबको, पहले मम्मी इतना फोर्स करते थे घूमने तो जाते नहीं थे, अब मम्मी बोल रहे क्यों ये तो उल्टा हो गया, आ भैंस मुझे मार, हर किसी का वक्त आता है, तुम भैंस बोले आ भैंस मुझे मार।
ये कहावत बोला मैंने, आ भैंस मुझे मारे, कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये भी एक कहावत है ना। फिर वो गधे की ना, नहीं बुलाऊ में आदमी सुनाना। अच्छा तो ऐसे कंटाल रहा था, जी घबरा रहा था, बनने वाला बच्चे लोग को बोला चलो किधर जाते घूमने, तो बोले रोज तो जाते पॉइंट जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो मैंने तो नौशी मेरे क्यों ना माइंड जाते, चलो बाबा का फालूदा तुमको पिला देती हूँ। बोला ठीक है, शायद ये पीने से शायद मैं अच्छा हो जाऊँ। बाबा फालूदा क्या है? अरे तो शॉर्ट में बोल दिया बाबा, बाबा क्या बाबा बाबा फालूदा है ना, बाबा पिला रहे। तो चलो जा रहे माइन, वहाँ जाके क्या होता है आप लोग, हम लोग दरगाह पे गए लेकिन उतार ब्लॉग नहीं बना था क्योंकि वहाँ पहचान वाले सब फैन लोग मिल गए थे, तो हम लोग नहीं बनाए। फिर फालूदा पीने उधर गए तो बहुत पब्लिक थी, बाप रहे, तो हम लोग फालूदा भी नहीं पिए, सीधा हम लोग चलो घर ही चलते हैं, घर जाके ब्लॉग बना लेंगे। तो शब और नौशीन का मुँह उतर चुका है कि फालूदा पीने नहीं मिला क्योंकि पब्लिक इतनी थी। देखो वो बेचारा कहाँ से दौड़ते हुए अपने दिया उसने, बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोग सब्सक्राइबर मिलते जो हम लोग को हमारी फैमिली समझ के हम लोग को याद करते हैं, बराबर ये रास्ता सो के आई है, देखो आंखें देखो हां चलो, और आई मैं अभी उठी है, सफर में पिकनिक मनाने यही जाती है। नहीं दानिश का मूड नहीं था, पिकनिक बन गया ना। हां तुम लोग चलाने वालों का मूड नहीं रहता, पीछे बैठने वालों का, पकड़ के चला रहे थे। क्या बात, आगे भाग रहे थे, भाग रहे थे हम लोग, इतना स्लो स्लो जा रहे थे, मालूम लास्ट में खड्डे में गिरी गए घप करके, घुटुक कर गया। नहीं बनाना चाहिए लोगों, लोग कोई गिरी कटवाने जाओगे तो कुछ देर जगह आ रही है, नहीं लोगों बनाना चाहिए, देख के सो गई। तो चलो अभी ऊपर जा रहे, ऊपर भी तो आई नहीं कर देंगे, तो फिर चलो यहाँ एंड कर देता, लेकिन कम बनिए एडजस्ट कर लेना, तो ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, नहीं दबे फिर भी नहीं दबाओ।